अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सीरियस टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको तो मैं बताऊंगी हमारे साथ क्या हुआ था, लेकिन उसके पहले मैं हलवा बना रही थी। गुरुवार है आज, फास्टिंग है, मैं सिर्फ स्वीट खाती हूँ, तो मैंने हलवा बना रही हूँ। हलवा मैं कैसे बना रही हूँ देख लीजिए। मैंने थोड़ा घी ज़्यादा डाला है क्योंकि एक आधी बार घी ज़्यादा खाने से घी में कुछ भी ये नहीं रहता है, फैट कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता है, अच्छा रहता है, घी हेल्थ के लिए खाना चाहिए। देखिए मैं ऐसे बना रही हूँ, आप कैसे बनाते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने एकदम सिंपल सा बनाया था हलवा, शीरा, जो भी आप बोले, सूजी का हलवा या शीरा, मराठी में शीरा कहते हैं, हम लोग तो हलवा ही कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं शिरडी जा रही हूँ, तो मैं उसकी भी पैकिंग मैंने उसकी भी पैकिंग कर रही थी, उसका भी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डाला है, वो देखिएगा। थोड़े फास्ट में डाली हूँ क्योंकि पैकिंग के लिए बहुत टाइम लगता है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हलवा सब बनने के बाद हम लोगों ने खाने के बाद पैकिंग किया। उसके बाद भरत के लिए भी थोड़े से कपड़े लाए थे, वो ट्राई भी किया हमने, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी, देखिएगा ज़रूर। और मैं थोड़ा हलवा मतलब एकदम थिक नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा मुझे ना कंसिस्टेंसी उसका जो रहता है सेमी सॉलिड टाइप रहना अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। वो जब एकदम पानी कम होता है, कड़क कड़क हार्ड हो जाता है, वो मैं खा नहीं सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता है उसका टेस्ट, इसलिए मैं थोड़ा घी ज़्यादा डालती हूँ और पानी भी ज़्यादा डाल के थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप बनाती हूँ, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। आप कैसे खाते हैं, थोड़ा सा हार्ड या फिर सेमी सॉलिड या बहुत ही लिक्विडी टाइप में खाते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको लग रहा होगा कि मैं चीनी ज़्यादा डाल रही हूँ, पर नहीं, चीनी भी एकदम करेक्ट ही था। मेरा स्पून छोटा है इसलिए आपको लग रहा होगा कि इतने बार चीनी डाल रही है, मैंने एक कटोरी चीनी डाला है। और मैं काउंट कर करके डाल रही थी चीनी, 1 स्पून 2 स्पून ऐसे। देखिए मैंने बाजू में कैश्यू नट ऑलरेडी घी में फ्राई भूंज के रख लिया था डालने के लिए। तो देखिए मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। मैं नॉर्मली और एक तरीके से भी बनाती हूँ, भूंजे हुए रवे में बॉईल हुआ पानी भी डाल के फिर चीनी डाल के बनाती हूँ, आज अलग तरीके से बना रही हूँ। और बाजू में देखिए मैंने इलायची को 5-6 इलायची लिया, ज़्यादा इलायची टेस्ट अच्छा आता है, बल्कि मैंने 5-6 इलायची को अच्छे से कूट लिया है, पाउडर कर लिया है। अब जो भूंजा हुआ रवा था उसको डाल के मैं अच्छे से पका लूँगी। देखिए आपको दिख रहा है कि मैंने पानी ज़्यादा डाला है, कंसिस्टेंसी लिक्विडी है। मैं थोड़े फास्ट में दिखा रही हूँ क्योंकि नॉर्मली शीरा तो सभी को बनाना आता है, इसलिए मैंने पूरा फुल रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैं इसको अच्छे से पका लूँगी, फुल फ्लेम करके पका रही हूँ। अब मैं इसमें काजू डालूँगी, अच्छे से मिला लूँगी और फिर क्या, इलायची का पाउडर डाल के मिला लूँगी। और यम्मी यम्मी हलवा शीरा टेस्टी रेडी, एकदम गरम गरम खाने से बहुत ही अच्छा रहता है। और देखिए अब मैं शिरडी की पैकिंग कर रही हूँ। नॉर्मली पैकिंग मैं भैया से कराती हूँ क्योंकि भैया बहुत ही अच्छे से पैकिंग करता है, एकदम सेट करके भैया पैकिंग करता है, तो बैग में बहुत सारी जगह रहती है और भी कितना भी सामान रखो, और वही मैं पैकिंग करती हूँ तो 2-3 कपड़ों में मेरा पैक फुल हो जाता है। मैं वो ड्रेस आयरनिंग के लिए रखी हूँ बाजू में, बाकी सब फोल्ड करके मैं अच्छे से पैक कर ले रही हूँ। और हमेशा कभी भी आप ट्रैवल करते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप बाहर के कपड़े कितने भी, एक ड्रेस कम भी रखेंगे तो चलेगा, पर अंडर गारमेंट्स हमेशा 2-3 एक्स्ट्रा ही रखिएगा, क्योंकि हम तो बाहर कपड़े वो भी पहन सकते हैं पर अंडर गारमेंट्स हम आज का कल नहीं पहन सकते क्योंकि हाइजीनिक नहीं होता है। तो सिर्फ हमेशा याद रखिएगा पैकिंग के टाइम में अंडर गारमेंट्स हमेशा एक्स्ट्रा रखिएगा अपने साथ। और ये देखिए भैया के भी, भैया को हाथ में चोट लगी है इसलिए ये बार भैया पैकिंग नहीं कर रहे हैं, तो भैया के कपड़े मेरे कपड़े एक बैग में रखे हैं, लिखित के अम्मा माँ यानी नानी के, लिखित के और भरत के कपड़े एक बैग में रखे, दीदी के कपड़े हमने एक बैग में रखे।
हमने सोचा था छोटे से दो बैग लेके जाएंगे, पर अभी हमारे पास बहुत सारे बैग हो गए क्योंकि शिरडी में बहुत ही ठंड है। तो हम लोग जो विंटर के कपड़े हैं ठंड के, ब्लैंकेट वगैरह, वो भी पकड़ रहे हैं। और बच्चों के साथ तो हमेशा कपड़े एक्स्ट्रा ही रहने अच्छा है। कितना प्यारा है मेरे कश्मीरी एप्पल। अभी तो चले देखो उसको शरीर और कपड़े का। देखो भरत का न्यू ड्रेस कैसा है। शक्ति कपूर का नाड़ा भी है मम्मी, नाड़ा भी है मम्मी शक्ति उसको भाई को कपूर देख देख ललचा रहा है। देख तेरे पास न्यू ड्रेस नहीं है, मेरे पास आई बोल रहा है। लिखो तम बोल रहा है। तो देखिए मैं भी भरत के सभी कपड़े ट्राई कर रही हूँ, ट्राई नहीं कर रही, उसको पहना के निकाल दे रही, क्योंकि शनिवार को हम लोग दर्शन किए जाएंगे और हम लोग शनिवार को नए कपड़े नहीं पहनते हैं। बोलते हैं शनिवार से पहनने से कपड़े का जलना या कुछ ऐसा होता है, बैड ही होता है, इसलिए हम लोग शनिवार को ऐसे नए कपड़े नहीं पहनते। इसलिए भरत को मैंने सबने हमने कपड़े नए वाले जो भी थे पहन के उतार दिया है। अच्छा दिन देख के हम लोग कपड़े पहनते हैं। हम लोग कपड़े को हल्दी भी लगाते हैं, भगवान के पास रख के हल्दी लगाते हैं। आप लोगों में से कितने लोग ऐसा करते हैं मुझे जरूर बताइएगा। कल था वेडनेसडे, आज है थर्सडे 31st of Jan। तो हम लोग कल, आपको जैसे मैंने बताया था कि हम लोग शिरडी जा रहे हैं, तो मैं शिरडी की शॉपिंग के लिए गई थी। थोड़े कपड़े खरीदने थे मुझे भरत के लिए, मेरे लिए। तो हम लोग दोपहर को शॉपिंग करके आए थे और वो शॉप से हम लोग 5-20 years से शॉपिंग कर रहे हैं। तो जस्ट मुझे जो जो कपड़े पसंद आए मैं घर लेके आ गई वो कपड़े, उसको ट्राई किया। और इवनिंग में मैं थोड़ा बाहर गई थी, उसका भी वीडियो मैंने डाला है आप लोगों के लिए। इवनिंग में मैं वान के लिए गई थी, हल्दी कुमकुम के लिए, वो ज़रूर देखिएगा। वान से आने के बाद मैं गई थी, जो कपड़े मैं दोपहर के टाइम में लेके आई थी अपने लिए ट्राई करके, जो मुझे पसंद आया मैंने ट्राई किया, और जो मुझे पसंद नहीं आया मैं वापस करने गई थी, उसका बिल पे करने गई थी। तो मैं जब वापस कपड़ों को बिल पे करके वापस आ रही थी, हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। बाबा की कृपा से मैं और मेरा भाई एकदम सेफ है, थोड़ी बहुत खरोच आई है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ हमारा। जो बहुत बड़ा होना था बाबा ने हमको बचा लिया और छोटा सा एक्सीडेंट में निपट गया, हम लोग को कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही हमारा गाड़ी टकराया ऑटो से, सही बता रही, मैं पूरा बॉडी मेरा शिवर कर रहा था और मैं इतनी डर गई थी कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, मेरे बच्चों का क्या होता, मैं सच बता रही। पर मैं हिम्मत नहीं आ रही, मैं अंदर से तो बहुत डर गई थी कि क्योंकि वो जो रिएक्शन था, जो टक्कर लगी थी, हम ऐसे सीधा जा रहे थे, ऑटो वाले ने आके हमको ऐसे मारा, हमारे इस तरफ भी एक गाड़ी थी, ऑटो वाले ने ऐसे मारा और हम लोग ऐसे गिरे। बेस्ट मैं तो गाड़ी से कूद गई थी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, पर भैया का ये जो उंगली है, ये दोनों हाथ में पूरे खरोच आ गए, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ क्योंकि हमारी गाड़ी 20-30 के स्पीड में थी, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं हुआ और हम लोग बच गए। और उसके बाद बहुत ही बड़ा सीन क्रिएट हुआ, सच्ची में वो सीन देख के भी मैं बहुत डर गई थी, पर हिम्मत रखी मैंने और फाइट किया मैंने उन लोगों के साथ। क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था हम दोनों थे, भाई और बहन, वहाँ एक भी लेडीज़ नहीं थी, मैं अकेली थी और सब लड़के लोग, जेंट्स लोग, अंकल लोग, सभी जन थे। और उनका जो गैंग होता है, ऑटो लोगों का जो एक गैंग होता है, वो सब हम पे टूट पड़े एक साथ कि गलती हमारी है। अरे गलती हमारी नहीं थी, हम तो सीधा जा रहे थे, ऑटो वाले ने टर्न लेने के लिए आके सीधा हमको ढके, मतलब ठोक दिया, उसको टर्न लेना था ऐसा, और उसने आगे पीछे नहीं देखा और सीधा हमको ठोक दिया। और वो सब बोल रहे थे कि तुम्हारी गलती है, हमारी गलती नहीं है, सब एक तरफ हो गए थे, जो ऑटो यूनियन होता है वो सब एक तरफ हो गए थे और हमारी गलती ही है बोल के बता रहे थे। उस टाइम में मैं सच्ची बता रही, मैं अंदर से इतनी डर चुकी थी और मेरे हाथ पैर तो पूरे, एक तो ठंड और ऊपर से डर के मारे इतना शिवर कर रहा था। और भैया को देख के मैं और ज़्यादा डर गई थी क्योंकि उसका जो ये उंगली में जो चोट लगा था वो हाथ इतना शिवर कर रहा था, इतने फास्ट शिवर कर रहा था कि सच में मैं बहुत डर गई थी। बहुत बड़ा हंगामा हुआ। मैंने फिर उन लोग जब मान ही नहीं रहे थे, मैंने अपना मोबाइल निकाला, वीडियो शूट किया, मैंने फ़ोटो लिया ऑटो वाले का नंबर का, मैंने कहा कि मैं तुमको अब चलो तुम पुलिस स्टेशन, मैं तुमको पुलिस स्टेशन लेके जाती हूँ, गलती करते हो,
ऊपर से मानते भी नहीं हो, तुम्हारी गलती है, थोड़ा सा नुकसान है, पर उन लोग हमसे वापस उनके जो गाड़ी का नुकसान हुआ है वो लेने की सोच रहे थे, तो मैंने फ़ोटो निकाला, वीडियो भी लिया। अब बताओ तुम लोग कौन क्या करोगे। मैंने उनको बहुत डराया, मैं एक्चुअल में मानव अधिकारी में एज अ न्यूज़ रिपोर्टर थी, तो मैं बोली मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, चलो तुम लोग को बताती हूँ। वीडियो भी लिया मैंने, थोड़ा छोटा सा क्लिप है मेरे पास, वो ज़रूर आप लोगों के लिए ऐड करूँगी, देखिएगा। तो फिर जैसे ही मैंने अपना मोबाइल निकाला और उनको डराया मैंने, वो सब डर गए कि अब क्या होगा। तो उनको लगा कि बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। और वो जो ऑटो वाला था वो किराए की ऑटो थी, उसकी खुद की ऑटो नहीं थी, वो 200 रुपीज़ किराए पे रोज़ ऑटो चलाता था, 200 रुपये ऑटो का किराया देके वो ऑटो चलाता है। तो वो एक तो बहुत ही बूढ़े अंकल थे, बुज़ुर्ग अंकल थे, तो उनके लिए एक सिंपथी भी है मुझे, गरीब घर के है, पर उन लोग जब माने नहीं तब हमको ये एक्शन लेना पड़ा। जब ये सब मैंने उनको डराया थोड़ा, चलो अब चलते हैं हम, तो उन्होंने तब जाके माना। फिर बोला कि जस्ट रोड के ऑपोजिट में एक छोटा सा हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, वो क्लिनिक में चलो हम तुमको ट्रीटमेंट करा देते, जो भी खर्चा आएगा हम बियर करेंगे, बोल के वो हमको लेके गए। अच्छा, वो वहाँ जो लड़के लोग थे मेरे भाई के, मतलब इतना शिवर कर रहा था, गाड़ी भी वो उठाया नहीं, उन लोगों ने गाड़ी उठा के साइड में रखा, मुझे चाबी दिया, बोला अपनी गाड़ी की चाबी संभालो, हमारी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हुई थी। और फिर हम जब हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल के पास सब जन आए, तब एक लेडी आई, मुझे बता रही बहुत गरीब है वो इंसान, वो ना पीता है ना कुछ। हाँ सब मैं मानती हूँ, अगर आप अपनी गलती पहले ही मान लेते तो इतनी बड़ी इशू होती ही नहीं थी, मेरा बस यही कहना है। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट कराया डॉक्टर, अब देखिए मैं यहाँ आपको डॉक्टर के बारे में बताती हूँ। जब डॉक्टर को पता चला एक एक्सीडेंट केस आया है, मीन्स टक्कर लगी वाली केस है, तो डॉक्टर ने भी सोचा अच्छा मौका है, चलो ऐंठते हैं पैसे इन लोगों के पास है। वो गरीब आदमी है, वो मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, पर डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी एक पेशेंट के पास है पूरा। अब मुझे पता नहीं उन्होंने कितना लिया, पर डॉक्टर इतना मतलब चालू निकला कि उसने बहुत महंगी महंगी दवाई लिख के दिया। 3 टैबलेट लिखा 600 रुपीज़, और एक डाइक्लोफेनाक लिखा था पेन किलर इंजेक्शन, और 3 टैबलेट्स और एक ऑइंटमेंट लिखा था 600 रुपीज़ मेडिसिन का हुआ। मुझे मेडिसिन की थोड़ी बहुत नॉलेज है क्योंकि मेरे घर में मेडिसिन रहते हैं हमेशा, मेरे हस्बैंड मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो मैंने जब मेडिसिन सब देखा, मैंने कहा कि ये तो मेडिसिन मेरे घर में सब अवेलेबल है, वो इंसान आगे वाला जो है वो भी मेहनत करता है, जो मेडिसिन का खर्चा डॉक्टर का खर्चा वो दे रहा है, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसको उतने पैसे कमाने के लिए, तो जब मेरे पास अवेलेबल है तो मैं क्यों उनसे लूँ। ऐसे भी वो दवाई मेरे पास घर में है तो मैं वो दवाई दे सकती हूँ भैया को। मैंने जस्ट भैया को एक पेन किलर और टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया वहाँ से, और हम लोग वापस आए, और मैंने वो जितने भी मेडिसिन थे सब वापस किए, और कहा अंकल जी ये मेडिसिन मेरे पास है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ डॉक्टर भी कितना चतरा निकला, उसने महंगे महंगे मेडिसिन भी लिख दिए, उसने अपना फ़ायदा भी देख लिया, ये भी नहीं सोचा अरे गरीब है मतलब कितनी मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, वो 2 पैसा कमाने के लिए कितना दिन भर ऑटो चलाते हैं। वो अंकल सच बता रही, मैं बहुत ही डर गए थे वो अंकल भी। मैंने कहा कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा इशू नहीं, जस्ट आप पे कर दो उसका, क्योंकि नुकसान तो बहुत हुआ। और जस्ट हमने वहीं पे क्लोज कर दिया और वापस आए। सही बता रही, बाबा की कृपा से हम बहुत ही बड़ा जो एक्सीडेंट होने वाला था छोटे से एक्सीडेंट में हम लोग बच गए, और अभी हम शिरडी जाने वाले हैं। बाबा की कृपा थी हमारे पे कि हम बच गए। मैं तो डर गई थी कि कुछ हो जाता तो मेरे बच्चे का क्या होता, मैं अपने 5 महीने के बच्चों को घर पे छोड़ के गई थी छोटे वाले को मम्मी के पास। सच्ची में मैं बहुत डर गई थी, और मेरे हस्बैंड बैंगलोर में, अगर कुछ हो जाता उस टाइम पे मेरे साथ मेरा बच्चा रहता तो क्या ना बोल के मैं डर गई थी। बस सब ठीक है अभी तो। नेक्स्ट कभी भी आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, पर ऐसा होता है जब सब आप लोग के ऊपर चढ़ते हैं, आपकी गलती नहीं है, तो हिम्मत दिखा के आगे बढ़िए, लड़िए उनसे कि आपकी गलती नहीं थी, नहीं तो वो आप लोगों से ही पैसे ऐंठने की कोशिश में रहते हैं। बस इतना छोटा सा बताना था, और बस छोटा सा इंसिडेंट हो गया, हम लोग सेफ है, कुछ नहीं हुआ। अगर वो बड़ा होता तो सच्ची में मेरी तो हिम्मत भी नहीं थी कि मैं घर आके मम्मी को क्या बताऊँ। मैं तो मम्मी से डर गई थी कि मम्मी, एक तो दीदी आपको पता है दीदी प्रेग्नेंट है, उसको भी प्रेशर नहीं देना है, छोटे छोटे बच्चे हैं। सच्ची में बहुत ही डर गई थी, मैं आपको बता भी नहीं पाती। मैं तो वो हाफ एन आवर में इतना शिवर कर रही थी डर के मारे,
पूरी मेरी जान निकल गई थी डर के मारे। सो प्लीज़ कहीं बाहर जाते हो तो अपने गाड़ी को स्पीड कंट्रोल में रखिए, ध्यान से चलाइए। बस इतना छोटा सा एक आप लोगों को अपडेट देना था, हम लोग सब ठीक है। और रिसेंटली अभी बहुत से एक्सीडेंट हो रहे हैं, ऐसे केसेस सुनने भी आ रहे हैं आजू बाजू में, यूट्यूब में भी मैंने सुना है। प्लीज़ अपना ध्यान रखें और जिसके साथ भी ऐसा हुआ है वो जल्दी से ठीक हो जाए, किसी को कुछ ना हो, बस इतनी सी वो भगवान से प्रे करती हूँ। और चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय तो बोलूँगी, पर बाय बोलने के पहले और एक बात भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे बहुत खुशी देता है और मुझे मोटिवेट करता है अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये देखिए, ये क्लिप मैंने तब लिया जब हमको बोले कि चलो अब चलते हैं स्टेशन, तब वो डर गए थे, तब उन्होंने बात मानी थी, तब का ये क्लिप है, एक्सीडेंट का छोटा सा ही क्लिप लिया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि भैया को भी चोट लगी थी और हम लोग भी बहुत डरे हुए थे। जस्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए।